नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर आंगनबाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं, तो आज के इस वीडियो में कुछ खास बताने वाला हूं जो कि आंगनबाड़ी से जुड़ी है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग फॉर्म वगैरह भरती हैं या रजिस्टर मेंटेन करती हैं तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ मिल जाता है देखने को, जिसका मतलब आप लोग सभी को पता नहीं होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा और उसका नाम हिंदी में क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को कोई भी जानकारी हो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो पहले नंबर पे आता है ICDS। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिश में? तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और इसका हिंदी नेम हो गया एकीकृत बाल विकास सेवा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे EDD। तो EDD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDD, LMP और DOM, आपको ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि आप लोग गर्भवती महिला का रजिस्टर मेंटेन करती हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ लिखना होता है, तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि EDD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आपको बता दूँ EDD का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, या तो इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसका हिंदी नेम हो गया संभावित प्रसव तिथि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं LMP। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसका हिंदी फॉर्म हो गया अंतिम मासिक धर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं DOM। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेट ऑफ मैच्योरिटी, AWW। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिश में? तो AWW का फुल फॉर्म होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स। इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं आंगनवाड़ी सेविका। और फिर आगे बढ़ते हैं AWH। इसका फुल फॉर्म क्या होगा इंग्लिश में? तो AWH का फुल फॉर्म हो गया आंगनवाड़ी हेल्पर, और इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं आंगनवाड़ी सहायिका। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं LS। कई बार आप लोगों ने सुना होगा LS दीदी। तो LS का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जान लीजिए LS का फुल फॉर्म होता है लेडी सुपरवाइजर। तो इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं महिला पर्यवेक्षिका। और आगे बढ़ते हैं AWC, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर। इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। फिर आगे बढ़ते हैं ANM। ANM जो नर्स होती है उनका फुल फॉर्म क्या होता है? ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफ। इसका हिंदी फॉर्म हो गया सहायक नर्स दाई। तो चलिए अब लास्ट में हम आपको यहाँ पे बता दें कि MDM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MDM का फुल फॉर्म हो गया मिड डे मील, यानी कि इसको हम लोग मध्याह्न भोजन बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, और साथ में अगर कुछ और भी शॉर्ट वर्ड हैं जिसको आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ज़रूर बताऊंगा, और चाहूंगा कि उस पर भी एक सटीक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।